तीसरी चीज बड़ी दुर्लभ है, ओम पुनंतु देव जनमाम पुनंतु मनसा ध्या पुनंतु विश्वा भूतानी जात वेद पुनि हमाम। एक बार याद तो करके देखो, मनसा ध्या, जिस मन में चिंता है व्यथा है उस मन में संत को रखो, महापुरुषों को रखो, भगवान को रखो, शास्त्र का विचार रखिए, प्रतिपक्ष की भावना पैदा कीजिए। अत्यंत उत्तप्त और व्यथित मन है तो कोई एक नया विचार दीजिए, जिस विचार से दुखी है उस विचार से परे हटो, नया विचार लाइए। तो तीन चीजें दुर्लभ है, मानवी प्रकृति का वर्णन तृतीय स्कंध में कि महाराज मनु से शत्रुपा से ये संतानें हुई। पहले कन्या का आगमन हुआ देवहूति के रूप में, आकुति प्रसूति के रूप में, पुत्र बाद में आए उत्तानपात और प्रियव्रत के रूप में, देवहूति देवाहूति, वो देवताओं को आहुति देती, देवता प्रकट हो जाते हैं। यमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम। इंद्र प्रकट हो जाते, देव प्रकट हो जाते, मंत्र से वो प्रकट होंगे, वो यहीं कहीं है। जल पवन ये देव हैं, अग्नि देवता है, अग्नि अग्नि है, सब जगह है, बस आपको प्रकट करनी है। कुछ लोग बाहर तो प्रकट कर नहीं पाते, गुस्से से अपने भीतर जगा लेते हैं, उबलते रहेंगे, जलते रहेंगे। उनके शब्दों से लगता है कि ये शब्द नहीं है, अंगारे हैं, अग्नि जगा ली उन्होंने। कुछ लोग शीतलता जगा ली, अग्नि मिले पुरोहितम। ये वेद का मंत्र है, पहला मंत्र है। कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला, पहले से पहला, सबसे पहला मंत्र कौन सा है इस धरती पर आया? इस धरती पर सबसे पहला मंत्र ऋग्वेद के माध्यम से आया। उस ऋग्वेद का भी जो पहला मंत्र है वह अग्नि मिले पुरोहितम। अरे पुरोहित बनो, अग्नि को जगाओ, ऊर्जा जगाओ, ऊष्मा जगाओ, ज्ञान जगाओ, प्रकाश जगाओ। अग्नि से ही ये सब चीजें हैं। अग्नि माने ऊर्जा, एनर्जी। बिग बैंग की थ्योरी भी यही कहती है कि एक अणु में विस्फोट हुआ, उसके आघात संघात से ये पूरी प्रकृति बनी। सो दिस इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग की जो थ्योरी है वो यही तो है, अणु में संघात हुआ, अणोरियान महतो महियान, जो महाशक्ति थी वो बिखर गई, आणविक विकिरण के द्वारा विस्फोट हुआ। अग्नि, अग्नि सर्वत्र है। अग्नि मिले पुरोहितम, ज्ञानाग्नि, एक एक क्रोध की अग्नि, एक एक क्षुदाग्नि यानी भूख, उदर की अग्नि, पेट की भूख, क्षुदाग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, एक है भैया ज्ञानाग्नि। ये जो वस्त्र पहन रखे हैं हम साधुओं ने, ये जो काषाय वस्त्र, ये जो हमने अग्नि वस्त्र पहन रखे हैं, दिस इज द फायर, ये अग्नि है। और कुछ लोग ऐसे ही हैं, बस कुछ करना नहीं है, निठल्ले हैं, अशांत हैं, व्यथित हैं, अज्ञान के कारण कहीं ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनके लिए एक प्रचलित शब्द है आज की भाषा का, इनको फायर की जरूरत है। एक फायर आना चाहिए, स्पार्क आना चाहिए इनके अंदर, स्पार्क।